हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो एनिमल का क्लासिफिकेशन है उसके वर्गीकरण के जो उसके आधार थे उनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो संघ है जगत एनिमेलिया के अंदर जितने भी संघ सम्मिलित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे संघ पॉरीफेरा के बारे में। संघ पॉरीफेरा, पॉरीफेरा संघ जो है इसके जो जंतु होते हैं उनको स्पंज कहा जाता है, उनको स्पंज कहते हैं। स्पंज की तरह ये होती हैं इसलिए इनको स्पंज कहा जाता है, इनका नाम है। इस संघ के अंदर जो है निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। संघ एनिमल जो पॉरीफेरा है इसके अंदर निम्न कोटि के जो लोअर जो टाइप के हैं जंतु, निम्न कोटि के जो जंतु हैं जो बहुकोशिकीय जंतु हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इन जंतुओं का शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, यानी ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अभी इनके अंदर उत्तक या अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन नहीं बनता है, ये सिर्फ कोशिकाओं से ही मिलकर बने हुए बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। पॉरीफेरा जो नाम है, पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बीरिंग, यानी छिद्रों को धारण करने वाला, यानी जिनका शरीर जो है वो छिद्रित होता है उसको कहते हैं पॉरीफेरा। इनका शरीर जो है वो छिद्रों का बना होता है, बहुत सारे उसके अंदर छिद्र होते हैं इसलिए इसका नाम दिया गया पॉरीफेरा। और इसमें जो बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं उन छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है, इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। और इन छिद्रों की सहायता से जो है जल इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, और एक जो है इसमें छिद्र होता है ऑस्कुलम, और इस ऑस्कुलम नामक छिद्र से सारा जल जो है बाहर निकलता है जो इसके अंदर प्रवेश करता है। तो ऑस्टिया से जल इसके अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ठीक है, और इसके बीच जो बॉडी होती है उसके बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसको स्पंज गुहा कहते हैं। ठीक है, उस स्पंज गुहा के अंदर ये जल भर जाता है और इस प्रकार से इसके अंदर एक सिस्टम का निर्माण होता है जिसको नाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो नाल तंत्र का पाया जाना जो है वो संघ पॉरीफेरा का एक यूनिक करैक्टर है, विशिष्ट लक्षण है। तो ये सिर्फ पॉरीफेरा संघ के ही जंतुओं के अंदर नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, यानी एक ही जगह पर चिपके रहते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई भी व्रंत नहीं पाया जाता है, स्टॉक की सहायता से नहीं, तो सीधे ही आधार से चिपके रहते हैं। एकल भी होते हैं, अकेले अकेले भी रहते हैं और कॉलोनी भी बनाते हैं, निवा के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप के अंदर भी इकट्ठे रहते हैं और अकेले अकेले भी ये जब पाए जाते हैं। अधिकांशतः जो जंतु होते हैं वो लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं, यानी समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो है उसको स्वच्छ जलीय स्पंज कहा जाता है। तो ये स्वच्छ जल के अंदर पाई जाती है। अधिकांश जो जंतु होते हैं वो समुद्री जल के अंदर ही पाए जाते हैं और गहराई के अंदर पाए जाते हैं और आधार से चिपके हुए रहते हैं। और ये जंतु जो हैं वो द्विजनस्तरीय जंतु होते हैं, यानी इनका शरीर दो जनस्तरों से बना होता है, एक एक्टोडर्म से और एक एंडोडर्म से, मीसोडर्म इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये द्विजनस्तरीय जंतु होते हैं, इनके अंदर जो दो जनस्तर होते हैं, दो स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं, उसमें बाहरी स्तर जो होता है उसको पिनेकोडर्म कहते हैं और भीतरी स्तर जो है उसको क्विनोडर्म कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो स्तर उनको नाम दिया अलग अलग, भीतरी को क्विनोडर्म और बाहरी को पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म जो स्तर होता है ये चपटी कोशिकाओं का बना होता है जिनको पिनेकोसाइट्स कहते हैं। पिनेकोसाइट्स चपटी कोशिकाएं होती हैं, उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, तो उनका बना होता है पिनेकोडर्म। और भीतर वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्विनोसाइट्स नाम कोशिकाएं होती हैं, क्विनोसाइट नामक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इन क्विनोसाइट्स को कॉलर कोशिकाएं या कीप कोशिकाएं भी कहा जाता है। और जो भीतर वाला स्तर होता है, भीतर वाला स्तर है उसको जठर स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो भीतर वाला जो स्तर होता है ये स्पंज गुहा के साथ में लगा होता है, स्पंज गुहा को आश्रित करता है भीतर वाला स्तर। ठीक है, तो नाल तंत्र इसके अंदर उपस्थित है, ये हमने पहले बात कर ली है कि नाल तंत्र की जो पाए जाने की जो विशेषता है वो संघ पॉरीफेरा का विशिष्ट लक्षण है। नाल तंत्र जो होता है ये इसमें जो एक नलिकाओं का तंत्र होता है जिसमें जल प्रवाहित होता है,
कई प्रकार के नाल तंत्र इन संघ के जंतु में पाए जाते हैं, जैसे साइकेनोइड है, एस्केनोइड है, ल्यूकेनोइड है, ठीक है। इस प्रकार इनके अंदर कई प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं जो अलग अलग जटिल होते जाते हैं। नाल तंत्र जो है वो स्पंज गुहा के अंदर खुलता है और स्पंज गुहा जो है एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। और इसमें जल जो है ऑस्टिया से निरंतर अंदर आता रहता है और ऑस्कुलम से बाहर जाता है, ठीक है। और इस जल के साथ में जो जल इसमें ऑस्टिया के थ्रू प्रवेश करता है, उस जल के अंदर जो है भोज्य पदार्थ भी होते हैं, वो भी इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और साथ में इसमें जो है गुणित ऑक्सीजन है वो भी जल के अंदर उपस्थित है, वो भी इसमें प्रवेश करती है। तो इसमें जो नाल तंत्र है वो श्वसन में, उत्सर्जन में और भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया है इनके अंदर सहायता करता है, ठीक है। नाल तंत्र सिस्टम के अंदर सहायता करता है। भोजन के साथ में जो भोजन के जो कण है जल के साथ में आए हैं उनको ये कोशिकाएं, कॉलर कोशिकाएं वो ग्रहण कर लेती हैं उसी जल धारा से और भोजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उसको स्पंजो सीवी के अंदर, जो स्पंज गुहा उसी के अंदर उत्सर्जित कर देते हैं और स्पंज गुहा से वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं जल के साथ, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम जो है नाल तंत्र जो है वो इन चीजों के अंदर सहायता करता है। पाचन जो होता है इसमें वो अंतराकोशिकीय प्रकार का होता है, यानी कोशिका के अंदर ही पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। अंतकंकाल पाया जाता है इनके अंदर, अंतकंकाल इसमें पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर स्पॉन्जी तंतुओं का सिलिका की होते हैं, या फिर स्पॉन्जी तंतुओं का बना हुआ अंतकंकाल पाया जाता है, ठीक है। जब ये डेड हो जाती है, डेड होने के बाद इस कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट जो वो पैंगे के ऊपर जमा हो जाता है, वहां पर जो है कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद मेसोगिलिया जो है जिसमें जो दो स्तर पाए जाते हैं पिटेकोडर्म और गोइडोडर्म, उनके बीच में जो है एक गीला डाला स्तर पाया जाता है जिसको मेसोगिलिया कहा जाता है। और इस मेसोगिलिया के अंदर विभिन्न प्रकार की इम्यूबोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आर्कियोसाइट है, या क्रोमोसाइट्स हैं, या कोलिनोसाइट्स हैं, ये इस कोशिकाएं होती हैं जो डिफरेंट जो है काम करती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं इनको टोटिपोटेंट कोशिका कहा जाता है, पूर्ण शक्त कोशिका कहा जाता है। तो ये किसी भी अन्य कोशिका के अंदर रूपांतरित हो सकती है। मान लीजिए कि उसके अंदर जो एक कोलेनोसाइट्स है, एक क्रोमोसाइट्स है, इनकी जरूरत है, इनको बनाना है, तो ये ऑर्किसाइट कोशिका जो है इनके अंदर परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये टोटिपोटेंट कोशिका होती है। उसके बाद बात करें इसमें जनन की, तो इसमें जो जंतु होते हैं वो एकलिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। एकलिंगी का मतलब है कि उनमें नर और मादा जो है वो अलग अलग होते हैं। नर और मादा जो नाम जो है वो अलग अलग जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे जंतु एकलिंगी जंतु कहा जाता है। और जिनमें दोनों नर और मादा जननांग एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं उनको द्विलिंगी कहा जाता है। तो उसके कुछ जंतु जो एकलिंगी प्रकार के होते हैं, कुछ द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। जनन में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक जनन इनके अंदर जो है बडिंग के द्वारा होता है, मुकुल विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। और लैंगिक जनन जो है वो भी पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है जो परमानेंट जननांग है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है, जो शुक्राणु है उसको जल के अंदर छोड़ दिया जाता है और वो शुक्राणु जल धारा के साथ में नाल तंत्र से होते हुए बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नाल तंत्र है वो निषेचन की क्रिया के अंदर भी सहायता करता है, ठीक है। परिवर्तन इनके अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्तन समझते दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यदि परिवर्तन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर लार्वा अवस्था बनती है तो उस प्रकार के परिवर्तन को अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहा जाता है। और अगर लार्वा अवस्था नहीं बनती है, लार्वा नहीं उपस्थित है, तो उसको प्रत्यक्ष परिवर्तन कहा जाता है। कोई वेरा संघ के जंतुओं के अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसलिए इनका परिवर्तन जो है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और इनमें जो लार्वा पाया जाता है उसको एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला लार्वा कहा जाता है, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला लार्वा जो है वो संघ पॉलीफेरा की विशेषता है। इसके अलावा जो है इस जो
संघ के जंतु है उनके अंदर पुनरुद्भवन की भी अपार क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन जिसके अंदर जो है कटे हुए या खोए हुए अंग जो है वो दोबारा से बन जाते हैं, तो उस क्रिया को पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो पुनरुद्भवन की इन जंतुओं के अंदर बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती जाती है। ठीक है, तो ये है पॉलीफेरा संघ के जंतुओं के कुछ सामान्य लक्षण है। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से जो इसके सदस्य हैं जो पॉलीफेरा के अंदर सम्मिलित हैं। तो जैसे साइकोन है, ये इसको स्टाइफा कहा जाता है। ठीक है, स्पॉन्जिला ये स्वच्छ जलीय जो स्पंज है। यू स्पॉन्जिया इसको बॉथ स्पंज भी कहा जाता है। ठीक है, हाइलोनिमा है और यू प्लेक्टेला है। यू प्लेक्टेला या इसको जो है वीनस की पुष्प मंजूषा कहा जाता है। यू प्लेक्टेला जो है इस के अंदर जो है एक जंतु होता है श्रिंप। नर और मादा जो श्रिंप है वो दोनों जो है इस यू प्लेक्टेला के अंदर आकर के रहने लग जाते हैं। ठीक है, और ये यू प्लेक्टेला बाद में ऊपर से बंद हो जाता है, तो वो दोनों श्रिंप जो है नर और मादा वो दोनों उसी के अंदर ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, और इस जो यू प्लेक्टेला को जो है जापान के अंदर जो है विवाह के अवसर पर जो है त्योहार के रूप में भी गिफ्ट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो श्रिंप जो है नर और मादा दोनों बंद हो गए हैं, तो वो जीवन पर्यंत मृत्यु तक जो है वो उसके अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसी को बेस बना करके ये विवाह पर जो है गिफ्ट दिया जाता है कि जो शादी कर रहे हैं जो लड़का लड़की तो वो जो है जीवन पर्यंत जो है साथ साथ रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो यू प्लेक्टेला जापान के अंदर ये फेमस है, गिफ्ट दिया जाता है विवाह के अवसर। तो ये है पॉलीफेरा संघ के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं सिलेंट्रेटा संघ के बारे में। संघ सिलेंट्रेटा या इसको कहते हैं नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा जो संघ है इसका नाम सिलेंट्रेटा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि सिलेन का मतलब है खोखली और एंट्रेटा मतलब ये वर्ड बना है एंट्रॉन से मतलब गुहा, यानी इसके अंदर खोखली गुहा पाई जाती है, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा नाम दिया गया है। दूसरी है कि इसको नाइडेरिया नाम दिया गया है। नाइडेरिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके अंदर एक दंश कोशिकाएं निडोप्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं निडोप्लास्ट प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही इस संघ को नाइडेरिया नाम दिया गया है। ओके, उसके बाद बात करें कि इस जो संघ के सदस्य हैं अधिकांश के वो समुद्री होते हैं। अधिकांशतः सदस्य समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो स्वच्छ जल के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। इस सदस्य एकल भी हो सकते हैं, निवही यानी कॉलोनी के रूप में भी हो सकते हैं, स्थानबद्ध भी हो सकते हैं, और मुक्त प्लावी या स्वतंत्र जीवी के रूप में भी रह सकते हैं। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विजनस्तरीय होती हैं, दो जनस्तरों से मिलकर के बने होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दो स्तरों से मिलकर बने होते हैं। जो एक्टोडर्म है उसको अधिचर्म कहते हैं और एंडोडर्म उसको अंतस्चर्म कहा जाता है। और इन जंतुओं के शरीर के अंदर आधार से लेकर के शीर्ष तक जो है एक गुहा पाई जाती है, जिस गुहा को जठर गुहा या सिलेंट्रोन कहा जाता है। आधार से लेकर के शीर्ष तक एक गुहा पाई जाती है जिसको सिलेंट्रोन या जठर गुहा कहा जाता है। ये जंतु जो है उत्तक स्तर के जंतु होते हैं, यानी इनके अंदर कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बना लेती हैं। उत्तक किसे कहते हैं? ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कि उत्पत्ति में भी समान हो और कार्य में भी समान हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, यानी इनके अंदर कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बना लेती हैं। पिछले जो पॉलीफेरा संघ हमने देखा उसके अंदर कोशिकाओं उत्तक नहीं बना देती, वहां कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता था। ठीक है, और इनमें जो ये गुहा पाई जाती है जिसको जठर या गुहा या सिलेंड्रोन कहते हैं, इसका जो शीर्ष होता है उस शीर्ष भाग पर जो है चित्र जो उपस्थित होता है उसको मुख कहा जाता है। ठीक है, इस जठर गुहा का जो शीर्ष है वहां पे जो छिद्र होता है उसको मुख कहा जाता है, और इनके अंदर आहार नाल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, यानी एक सिरे से बंद होती है। ठीक है, तो इनमें मुख ही मुख जो है वो मुख और गुदा दोनों का ही काम करता है। ठीक है, तो मुख से ही भोजन अंदर जाता है और मुख से ही
अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं। तो मुख जो है, मुख और गुदा दोनों का काम करता है। और इनके मुख के चारों ओर जो है खोखले जो है स्पर्शक पाए जाते हैं, लंबे जो है दागेनुमा संरचना पाई जाती है, उनको स्पर्श कहते हैं। तो वो इसके मुख के चारों ओर जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो कि शिकार पकड़ने के अंदर या गमन के अंदर सहायता करते हैं, आधार से चिपकने के अंदर सहायता करते हैं। दंश कोशिकाएं के अंदर पाई जाती हैं। दंश कोशिकाओं का पाया जाना सिलेंट्रेटा संका नाइडेरिया संका विशिष्ट लक्षण है, विशेष लक्षण है। इस बात को जो है अच्छी तरह से हमने ध्यान में रखना, याद रखना है। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये जो देह भित्ति होती है, देह भित्ति के अंदर जो है दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि भोजन को ग्रह पकड़ने के अंदर, आत्मरक्षा के अंदर और गमन के अंदर या आधार से चिपकने के अंदर जो सहायता करती हैं। तो दंश कोशिकाओं की उपस्थिति इनका एक विशिष्ट लक्षण है। इसके अलावा जो है इन इस संघ के जो जंतु होते हैं उनके अंदर श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसर्जन तंत्र जो है ये नहीं पाया जाता है, इसका अभाव होता है। तो ऐसा कोई सिस्टम, क्योंकि अभी तक इसमें उत्तक ही बने हैं, अंग या अंग तंत्र बना ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। जो श्वसन की क्रिया है वो सीधे ही कोशिकाएं सतह के द्वारा ही कर लेती हैं, क्योंकि जैसे कोशिकाएं सीधे जो है पानी के संपर्क में होती हैं, तो पानी में घुलित ऑक्सीजन को सीधे ही जो है अवशोषित कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ही जल के अंदर त्याग देती हैं। अवशिष्ट पदार्थों को भी सीधे ही जो है जल के अंदर अमोनिया की फॉर्म के अंदर त्याग दिया जाता है, तो इसलिए इनमें अंदर कोई भी सिस्टम वगैरह नहीं पाया जाता है। बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो इसके अंदर, इसकी जो पूरी शरीर है उसके अंदर जाल के रूप में पाया जाता है, कोई विशेष विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है, बस यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई है अभी, ठीक है, कोई विशेष विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र इसके अंदर नहीं होता है, आदिम प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, प्रिमिटिव टाइप का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पाचन जो है वो अंत कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, ठीक है, और इसमें जो प्राणी होते हैं, इसमें जो जंतु हैं उनको जॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है, जो प्राणी की जो अवस्था है उनको जॉइंट्स कहते हैं। द्विरूपी होते हैं, यानी इनके अंदर दो प्रारूप पाए जाते हैं, जिनको जॉइंट्स कहते हैं, एक पॉलिप अवस्था होती है, एक मेडुसा अवस्था होती है। पॉलिप अवस्था वो अवस्था जो है बेलनाकार होती है और स्थानबद्ध अवस्था होती है, और ये अलैंगिक जनन की अवस्था होती है, ठीक है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं पॉलिप अवस्था, ये पॉलिप जॉइंट्स जो है जीवक और स्थानबद्ध होते हैं और जो है बेलनाकार आकृति के होते हैं, ठीक है। जो दूसरी अवस्था है मेडुसा अवस्था, मेडुसा अवस्था ये छत्रकाकार या जो घंटी के आकार की इनकी संरचना होती है, ठीक है, और ये जो है लैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं, लैंगिक जनन की अवस्था होती है, इनके अंदर जननांग होते हैं लैंगिक जनन के लिए, जनन लैंगिक जनन जो है इस अवस्था के अंदर होता है, ठीक है, और ये छत्राकार होते हैं, घंटी के आकार के होते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, पानी के अंदर तैरते हुए रहते हैं, ठीक है। ये जंतु जो है एकलिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जनन इनके अंदर अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अलैंगिक जनन जो है इसके अंदर मुकुलों द्वारा होता है और लैंगिक जनन जो है वो शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा होता है, शुक्राणु अंडाणु का निषेचन मिलन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद जीव का निर्माण होता है, ठीक है। परिवर्तन इनके अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है, यानी इनके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा जो इनके अंदर पाया जाता है उसको प्लेनुला लार्वा कहा जाता है, प्लेनुला लार्वा इनके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर जो पॉलिप और मेडुसा अवस्था है इनके इनमें जो है एकांतरण पाया जाता है, कि पॉलिप अवस्था आ गई, अब आगे जो है उसमें मेडुसा अवस्था आएगी, फिर पॉलिप अवस्था आएगी, फिर मेडुसा अवस्था आएगी, इस तरह से लैंगिक और अलैंगिक जनन की अवस्था में एकांतरण पाया जाता है और इसी एकांतरण को मेटाजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो एकांतरण है उसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन यानी जो मरम्मत होती है या फिर नए जीव का निर्माण होता है, कोई भी भाग कट जाए उससे तो उसको पुनरुद्भवन कहते हैं। बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है, हाइड्रा जो है उसका सामान्य एग्जांपल है, हाइड्रा के अगर हम टुकड़े कर दें, हाइड्रा के दो तीन चार टुकड़े कर दें, अगर उसमें दोनों जन स्तर उपस्थित है
एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों जलस्तर उपस्थित है, तो उस प्रत्येक टुकड़े से नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो इतनी अधिक जो है इसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। उसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से जंतु इसमें सम्मिलित है, तो जैसे फाइसेलिया, फाइसेलिया जो इसको सम्मिलित है, ये जो है सिलिनेटेटा संघ का सदस्य है फाइसेलिया, इसको पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। समय नाम इसका हाइड्रा है। उसके बाद एडवेसिया, एडवेसिया इसको जो है साधु केकड़े के साथ जाइए कॉमन सेलिज्म शो करता है, सहभोजिता शो करता है एडवेसिया, ठीक है। और पेनिटुला इसको सी पेन कहा जाता है, समुद्री पेन कहा जाता है। गोरगोनिया इसको सी फैन कहा जाता है, समुद्री पंखा कहा जाता है। मेड्रीना है, पॉर्पिटा, ओरेलिया, ओबेलिया, ओरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है और ओबेलिया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं संघ सिलेंड्रेटा के या नाइडेरिया। ओके, तो ये है संघ सिलेंड्रेटा के बारे में। आगे है संघ टीनोफोरा, अपेक्षाकृत ये छोटा संघ है और इस संघ के जो सदस्य होते हैं जंतु होते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, ठीक है। तो और इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, टोटली मैराइन होती हैं, समुद्रवासी होते हैं, फ्रेश जल के अंदर कोई नहीं पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, सभी सदस्य समुद्री होते हैं और इस संघ के जो सदस्य होते हैं उनको समुद्री टीनोफोरा को समुद्री अखरोट भी कहा जाता है, या इनको कंकाल जेली या कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर ये एनिमल होते हैं। सिमेट्री इनके अंदर सम्मिति अर्य प्रकार की होती है, द्विजन स्तरीय ये जंतु होते हैं, दो जन स्तरों से मिलकर के बने होते हैं। इनके अंदर द्विअर्य सम्मिति भी पाई जाती है, जो पीछे जो संघ हमने पढ़ा है सिलेंड्रेटा और उसके अंदर अर्य सम्मिति होती है, ठीक है, और इनके अंदर द्विअर्य सम्मिति पाई जाती है। शारीरिक संगठन जो इनके अंदर उत्तक स्तर का है, वही जो सिलेंड्रेटा का है वही इसके अंदर उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इसके अंदर भी अभी वो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र ये अभी कुछ भी नहीं बने हैं, ठीक है। इनके शरीर के बाहर ये इंपॉर्टेंट बात है, इनके अंदर शरीर पर जो है पक्षमापी आठ संख्या में आठ जो है पक्षमापी जो है कंगत पाई जाती है, कॉम्प्लेट पाई जाती है, जो कि चलने के अंदर सहायता करती है। तो चलने के लिए इनके अंदर कॉम्प्लेट्स होती हैं जिसकी संख्या आठ होती है, ठीक है। पाचन अंतकोशिकीय व अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का इनके अंदर पाया जाता है। स्पर्शक इनके अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो स्पर्शक इनके अंदर अभाव होता है। ये जो जंतु होते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस जो है प्रदर्शित करते हैं, जैव जो है संदिग्धि प्रदर्शित करते हैं, जिसके जो है लाइट उत्पन्न होती है, जैसे जुगनू जो है वो लाइट उत्पन्न करता है उसी प्रकार से ये भी जो है लाइट उत्पन्न करते हैं, इसी कारण से जलते हुए जो है दिखाई देते हैं समुद्र के अंदर। तो जैव प्रदीप्ति जो है ये उसके द्वारा बायोल्यूमिनेसेंस के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और ये बात जो है इन संघ के सदस्यों की विशिष्ट बात है, ठीक है। तो ये इनका एक यूनिक करेक्टर है कि बायोल्यूमिनेसेंस का प्रदर्शन करना, ये और संघ नहीं करें, ये संघ के सदस्य जो इस संघ के सदस्य जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, यानी नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं। जनन इनके अंदर जो केवल लैंगिक प्रकार का पाया जाता है, सिर्फ इनमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। निषेचन इनमें बाह्य प्रकार का होता है, जल के अंदर होता है, इस बॉडी से बाहर निषेचन होता है, जल के अंदर होता है। परिवर्तन इनके अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है, यानी इनके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो ये है इस संघ के बारे में बातें, छोटा सा संघ है संघ टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। और सदस्य इसके अंदर है टीनोप्लाना है और बोराई है, दो इसके एग्जांपल है। बोराई इसको बिल्ली की तैरती आंखें कहा जाता है, बोराई बिल्ली की तैरती आंखें, टीनोप्लाना, ठीक है। तो ये इसके दो एग्जांपल है, तो संघ ये है टीनोफोरा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।